पहले पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ समाज के बीच शादी हुई, उसके बाद 3 बच्चे हुए। अब महिला अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। मामला तब सामने आया जब भागलपुर के पर्वती मोहल्ले का लड़का अपनी माँ पिता और अन्य रिश्तेदारों के साथ बिहपुर में लड़की को वापस ले जाने के लिए लड़की के मामा के घर पहुंचा, जहां लड़की अपनी माँ के साथ दिल्ली से आई हुई थी। लेकिन लड़का व उसके परिवार वालों को देखते ही लड़की और उसकी माँ का पारा 7वें आसमान पर था। लड़की ने कहा, मैं वैसे घरों में नहीं जाना चाहती जहाँ मेरी कोई कदर नहीं होती। दिल्ली कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट जो फैसला सुनाएगी वैसा ही करूंगा। वहीं लड़का का कहना है कि 2016 में हमारी शादी हुई थी और तब से पूरा परिवार ठीक ठाक चल रहा था, 3 बच्चे भी हुए। अब लड़की अपनी माँ के बहकावे में आकर मुझसे अलग रहना चाहती और तलाक देने की बात जब सामने आई, मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ रुपये मांगा जाता है या महीने का 1 लाख। हम लोग कमाने खाने वाले लोग है, इतना पैसा कहाँ से देंगे। हालांकि इस दौरान पर्वती मोहल्ले में मामले की जानकारी मिलने पर लोगों की भीड़ लग गई, सभी मूक दर्शक बने रहे, किसी ने लड़की या उसकी माँ को समझाने की जहमत नहीं उठाई। मामला ये है कि हमारा शादी 2016 में हुआ था, ठीक है ना, जिसके बाद जो है मेरी पत्नी मेरे घर में रहना नहीं चाहती है, ठीक है ना, बार बार मैके जाती है, वहाँ से झूठा केस मेरे ऊपर करती है, है? केस करती है, झूठा अपलंग लगाती है कि मेरे को मारता है, पीटता है, खाना नहीं देता है। ऐसा कोई बात है नहीं, जाके आस पास पड़ोस में पूछ ले, मेरे घर के अगल बगल में भी पूछ ले कि मेरे घर में लड़ाई भी होता है या नहीं होता है, ठीक है ना। इनकी माँ, इनके पिताजी, इनका कहना है कि दिल्ली रहोगे तो ज़िंदगी बसर होगा, नहीं रहोगे बर्बाद कर देंगे, ठीक है ना। 3-3 बच्चे हैं, 1 महीने की जब गर्भवती हो जाती है ना, तो तब जा करके माँ से चुपके से केस करवा करके ये डायरेक्ट मेरे ऊपर हमला करके, ठीक है ना, ये अब मैके चली जाती है, मेरे को कानों तक खबर नहीं होता है कि मेरे साथ ये क्या रचना रच रही है। और सारा सबूत मेरे पास है, सारा स्टाम्प पेपर पे लिखा हुआ है, ये जब जब ये गई है यहाँ से, ठीक है ना, स्टाम्प पेपर पर लिख करके जाती है, और उसके बाद जो है लिख करके जाने के बाद जो है मेरे ऊपर वो केस कर देती है। हाँ, धमकी देता है, धमकी ये देता है कि मेरे को 1 करोड़ रुपया दो तब हम तुमको छुटकारा दे देंगे। कहाँ शादी किए थे? शादी हम शिवनरेलपुर से किए थे और केस जाकर किए दिल्ली में जाकर के, और तीन केस की, और एक बार दिल्ली से हम लाएँ, कोर्ट से लाएँ, कोर्ट के मामले से, ठीक है ना, साल भर रही, ठीक है ना। साल भर रहने के बाद जो है हम सिर्फ घरवास में हम नहीं गए दिल्ली, तो माँ से फोन करके कह करके मेरे ऊपर झूठा केस करवा दी कि मेरे को घर में बंद करके रखा है, मेरे को खाना नहीं देता है। पति पत्नी एक साथ, पुलिस आने से 2 दिन पहले पति पत्नी एक थाली में खाते थे और खा भी रहे थे, ठीक है ना, और हमको भनक भी नहीं चला कि मेरे ऊपर कोई कार्रवाई वो कर रही है। पुतान वहाँ से शिवनारायणपुर से फोन कर लगे कल मामी मम्मी से पोता पोती के देखने के लिए आइए, हम दिल्ली जा रहे हैं, कलिए कनियन पोता पोती खाली देखे नहीं जेबे, हम तोरो बिदागरी जेबे कनियन, घर बसाबो, घर 4 साल से बर्बाद हो रहा छन बेटा, केस कर ले छो 3-3 गो, केकर पैसा जा रहा छे बेटा, तोरा हम ले ले से जा रहा छियो, तो आबो मम्मी स्कॉर्पियो। हाँ, 1 करोड़ जो हमसे मांगी है ना, तब स्कॉर्पियो लेके गाड़ी ले, हाँ स्कॉर्पियो लेके ले, तो कहिए पोता पोती ले हे केनो दोनों सब किन ले लिए सब चीज ले, तीनों बच्चा ले प्रणाम पाती कर, 4 साल से मायके में रह, पुता बोलता है कि नहीं, हाँ भी वही बोला कि हम नहीं रहेंगे, हाँ हमको पैसा दीजिए, 1 लाख के महीना दीजिए, तो हमारा बेटा सर्विस है, कहाँ से 1 लाख देगा। न ढोल न बाजा बीच सड़क पर एक दूजे के हो गए जीजा और साली। यह पूरा मामला भागलपुर के SSP के कार्यालय के समीप एक मंदिर के पास का है। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना के भवनाथपुर का रहने वाला जीजा मदन और पीरपैती के ही रहने वाली रिश्ते में साली आरती के साथ पिछले कुछ महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और इन दोनों ने अपने परिवार की राजी खुशी से शादी करने का मन बना लिया और सड़क पर ही शादी भी कर ली। मदन के परिवार वालों ने कहा कि मदन पहले से शादीशुदा था और उसके 4 बच्चे भी है। इस बीच मदन की पत्नी
प्रेमी का किसी और से प्रेम हो जाता है। अमित की पत्नी अपनी प्रेमी के साथ भाग जाती है। इसके बाद मदन पासवान भी अपनी साली आरती को दिल दे देता है और साली आरती के साथ कोर्ट मैरिज भी कर लिया और आज मंदिर में शादी कर ली। जबरदस्ती कराया जा रहा? नहीं हाँ नहीं, शादी शुदा लड़का बाल बच्चा लोग पसंद आया, कारण? कारण कुछ भी कारण नहीं, ऐसे ऐसे। हाँ, डर का है रहा? डर ही नहीं। पहले से जानते थे? नहीं। उनको पहले से जानते थे? नहीं। आपके पिताजी क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। शादी से खुश हैं? हाँ खुश तो हैं। मंदिर में यहाँ शादी कर रहे हैं सड़क पर, क्यों? क्यों कर रहे हैं? कोर्ट से किए इसीलिए। कब से दोनों में प्यार था? प्यार नहीं था, देख सुन के गार्जियन के थ्रू शादी हुआ। ऐसा कोर्ट से शादी करना पड़ा, ऐसा क्या हुआ था? कारण है कि मेरा परिवार भाग गया है। अच्छा, पहले से शादी शुदा है? हाँ, पहले से शादी शुदा है। ये लड़की को कैसे जानते हैं? जानते हैं, गार्जियन लगाया शादी तो कर रहे हैं। गार्जियन लेके आ गया शादी करने के लिए? कोर्ट मेरे शादी आप लोग कर रहे हैं। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। पहले से बाल बच्चा भी है? हाँ। ये को है? चार को। भागलपुर के नए जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन कुमार ने आज जिला परिषद कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण कर लिया। नवनियुक्त जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन कुमार को डीडीसी कुमार अनुराग ने पदभार ग्रहण कराया। आपको बता दें, कुछ महीना पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। 22 अप्रैल को भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के समक्ष मतदान हुआ, जिसमें मिथुन कुमार को विजय घोषित किया गया। इसके बाद आज जिला परिषद कार्यालय में लगभग सभी जिला परिषद सदस्यों के साथ अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन कुमार ने कहा कि अब विकास कार्यों में तेजी आएगी और विकास की गंगा बहेगी। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य जयप्रकाश मंडल, विपिन कुमार, दिव्या सिंह, डब्लू कुमार सहित कई जिला परिषद सदस्य व जिला परिषद कार्यालय के कर्मचारी मौजूद थे। आज हम लोग वृहत रूप से सभी पार्षद लोग एकत्रित हुए हैं और हम लोग कुछ ऑफिस में काम करवाए थे, बैठने का जो साधन बहुत ही बिल्कुल गड़बड़ था, उसको सुधार किए और आज हम लोग सब पार्षद मिलके पूजा पाठ किए और आज हम लोग योजना पे जो भागलपुर का जो विकास की ओर हम लोग अग्रसर हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब बैठे हैं और हमारे डीडीसी महोदय, हमारे इंजीनियर सभी लोग बैठ के आज विचार विमर्श करेंगे। जो भी योजना है सारा पेंडिंग पड़ा हुआ था उनको आज हम लोग देखेंगे, जो नया योजना है उनको आगे कितना बेहतर कर सके, कितना जल्दी समाज में हम ये लोग इस योजना को धरातल पर उतार सके, उसी पर आज हम लोग विचार विमर्श करने के लिए ऑफिस आए हुए हैं और आज से हम लोगों का ऑफिस प्रारंभ है और हम लोग अब लगातार ऑफिस में आते रहेंगे, अपना काम को दिशा गति देते रहेंगे। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
भागलपुर के इसाकचक थाना क्षेत्र के गायत्री मंदिर के समीप प्लास्टिक से लदे ओवरलोडिंग ट्रक में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से आग लग गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे में ट्रक में लदे प्लास्टिक का सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि लोदीपुर की तरफ से बीचों बीच होकर इसाकचक होते हुए ट्रक शहर जा रहा था, इसी दौरान हाईटेंशन तार की चपेट में आने से हादसा हुआ। घटना के बाद सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। इधर स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को दिया, जिसके बाद घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो गया। हालांकि हादसे में हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। भागलपुर रेलवे स्टेशन में चल रहे कार्य का निरीक्षण SDRM शिव कुमार प्रसाद ने किया। खासकर उन्होंने स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने की अपील की। वहीं भागलपुर स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की बात कही। आम लोगों को संबोधित करते हुए शिव कुमार ने कहा कि यह भागलपुर आप सबो का है, उसे साफ सफाई रखने में भी सभी सहयोग दे। साथ ही बिना टिकट रेल यात्रा करने पर दंडात्मक कार्रवाई की बात भी की। इस दौरान सभी रेलवे के वरीय कर्मचारी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत कर सबो को प्रसन्न कर दिया। जो है ये ड्राइव चल रहा है कि हमारा स्टेशन जो है बहुत बेहतरीन होना चाहिए, चकाचक होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि सफाई, कहीं भी गंदगी ना हो। गंदगी को एक फैला रहा है तो उसको जुर्माना लगाया जाएगा, उसको नेम एंड सेम अखबार में छापा जाएगा कि ये गंदगी फैला रहा है। और दूसरा है कि कोई बिना टिकट के रेलवे परिसर में एंट्री न करे। एंट्री करता है तो उसको फाइन लगाया जाएगा, नेम एंड सेम जो है उसको अखबार में दिया जाएगा। इसके लिए हमारे जो रेलवे कर्मचारी हैं, RPF हैं, कमर्शियल के स्टाफ हैं, सब लोग एकदम मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। और ये जो भागलपुर स्टेशन है इसको बहुत स्वच्छ, सुंदर और बहुत बहुत बेहतरीन स्टेशन बनाना है। पारा बढ़ने के साथ गर्मी लोगों को सता रही है। वहीं गंगा के तट पर बसे भागलपुर जिले में भी जल संकट गहराने लगा है। गंगा नदी से महज 100 मीटर की दूरी पर बसे मीराचक गांव में लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। नल जल योजना के तहत पानी की पाइपलाइन तो जरूर बिछाई गई है, लेकिन उसमें पानी नदारद है। ऐसे में भीषण गर्मी में ग्रामीणों का जीना मुहाल हो गया है। कुछ जगहों पर पानी आता है तो उसी से दर्जनों परिवार अपना गुजर बसर करते हैं। दूसरे चरण में भागलपुर जिले में मतदान तो हो गया, लेकिन लोगों की आशाएं अब भी पूरी नहीं हो पाई। जल संकट के बीच स्थानीय जनप्रतिनिधि और बिहार सरकार को कोसते नजर आ रहे हैं लोग। गर्मी में बहुत दिक्कत है, पानी का सुविधा नहीं है। जल नल योजना के तहत पाइपलाइन बिछा, पाइपलाइन हम उस समय हम यहाँ पर थे सर, हम बोले कि पाइपलाइन जो बिछा रहे हैं थोड़ा गड्ढा करके दीजिए, कम से कम एक डेढ़ फीट दो फीट दीजिएगा गड्ढा, इसलिए रोड है, रोड में ट्रैक्टर चलता है, गाड़ी चलता है, अगर ऊपर में दीजिएगा तो टूट जाएगा। ऊपरे में दे दिया सर और गाड़ी चढ़ा दो, यानी 10 दिन के बाद पाइपलाइन टूट के फट गया। एक नंबर वार्ड एक भी पानी नहीं, सब में नल लगा हुआ है, पाइपलाइन बिछा हुआ, लेकिन एक भी पानी नहीं आ रहा है 5 साल से। कैसे रह रहा है गर्मी? बहुत परेशानी है सर, एगो चप्पा नल गड़ा हुआ है, यानी सरकारी तरफ से पीपल पेड़ के पास बहुत दूर, देखिए ना गंगा नदी के किनारे तरफ, वहीं से पानी पी करके हम लोग से जीवन यापन करते हैं। पानी का पूरे दिक्कत है, गंगा जी से हम लोग पानी लाते हैं, पीते हैं, खाते हैं। नल तो लगा हुआ है, नल कहाँ लगा हुआ, देखिए सर कहाँ पाइप सब जगह कहीं ना कोई कनेक्शन नहीं, देखिए ना घर घुस के देखिए कौन कनेक्शन किया है, 2 नंबर का पानी बह रहा है। गर्मी में कैसे? गर्मी में पीपल गाछ है, वहीं बैठते उड़ते हैं, वहीं गंगा जी में लाते हैं, वहीं एगो चपा कल है सरकारी, वही का पानी लाता है, सब ढो ढो के पीता है। क्या क्या वादा किया था नेता लोग? नेता को नेता का आता है कि इस चीज कर दो, वोट दो, जिता दो, कर देंगे, ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, कोई काम नहीं होता है। 30 अप्रैल को नाथनगर थाना क्षेत्र के संत नगर में खेत पटवन के दौरान दो पक्षों में मारपीट और गाली गलौज किया गया था, जिसको लेकर एक पक्ष के लोगों के द्वारा थाने में आवेदन दिया गया था। इसके बाद थाने में मामला दर्ज नहीं किया गया, जिसको लेकर एक पक्ष के सजनी देवी ने आरक्षी उप महानिरीक्षक विवेकानंद के कार्यालय में अपना आवेदन दिया। मामले को लेकर सजनी देवी ने कहा कि 30 अप्रैल को करीब 2 बजे दिन में मैं और मेरे पति पवन कुमार अपने खेत में पटवन कर रहे थे, इसी दौरान कमलेश्वरी मंडल, अकलू मंडल,
पंकज मंडल, गोपाल मंडल सहित कई लोग आए और मेरे पति पवन कुमार के साथ मारपीट और गाली गलौज करने लगे। इस दौरान मेरे पति खेत में ही गिरकर बेसुध हो गए। इसके बाद हम नाथनगर थाने में आवेदन देने के लिए जब गए तो वहां पर आवेदन नहीं लिया गया, जिसके बाद हक खारकर SSP और DIG के कार्यालय में आवेदन दिया है। हमें भरोसा है कि हमें न्याय जल्द मिलेगा। क्या हुआ, खेत पटाने के लिए गए है, वही पर मारपीट हुआ है। कौन मारा? मारा है गोपाल मंडल, किशोरी मंडल, जमार मंडल। क्या कारण था मारपीट का? मारपीट से झगड़ा लड़ाई हुआ है, जो आरोप लगा रहा है कि अतनो टाक लड़की है उसको रेप किया है, है किया है, हो किया है, यही सब। किस पे आरोप लग रहा है? मेरे पति पर, जब मोम मैं मौजूद थी। थाना गए थे? थाना गए थे, थाना पर नहीं लिए। अभी कहाँ का घटना हुआ है? 30 को। गर्मी का मौसम आते ही भागलपुर में आग लगने की घटना लगातार सामने आ रही है। ताजा मामला नाथनगर थाना क्षेत्र की सहजादपुर पंचायत की है, जहां पुआल की टाल में आग लग गई। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। आग लगने से आसपास के गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम से पहले ही आग को बुझा दिया गया था।